इसका ये मैं आप डिक्लेयर कर देता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ। तो अब मैंने इसको पैक से हटा दिया, कैपेसिटी से हटा दिया। अगर जो मैं स्पेकुलर लेवल दूंगा तो वो हाईलाइट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इससे लगेगा कि ये कोई रिफ्लेक्टेड या शाइनी ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ठीक है। और वो स्पेकुलर आपको रेंडरिंग में भी नजर आएगी। अगर मैं इसे वायर करूँगा तो वायर फ्रेम में जो रिजल्ट आ रहा है ना वो आपको रेंडरिंग में भी नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वायर्स करूंगा ना सही तो F3 से भी कर सकते हैं हम लोग, F3 से रेंडरिंग में नहीं आएगा। F3 से रेंडरिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वायर्स आएंगे और किसी के ऊपर नहीं आएंगे। अगर मैंने इसी मटेरियल के ऊपर वायर किया तो इसी के ऊपर आएंगे और किसी के नहीं आएंगे। तो मैंने वायर किया इसको और रेंडर किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इसी तरफ के वायर्स दिखा रहा है, वो उस तरफ के तो वायर्स दिखाई नहीं रहा। वायर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो इसे मैं टू साइडेड करूँगा तो वो अंदर के भी वायर्स दिखाएगा, ठीक है। अब वो अंदर के भी वायर दिखा रहा है, ठीक है, और नीचे रिफ्लेक्शन भी जाएगा। सो वो तो आपने पहले ही ऑन की हुई थी, पहले ही ऑन की हुई थी। अब मैं वायर फेसेटेड इज जस्ट लाइक अ डायमंड देखा है, आई मीन वो इमेज पे तो देखा है वैसे इमेज इमेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायमंड किस तरह का होता है, एक उर्दू में एक वर्ड है शायद आप लोगों को, सतह मुर्तफा पता है क्या होती है? बताओ नहीं पता, नहीं बताओ ना हमवार सतह, जैसे कि ये रफ डायमंड की भी रफ सरफेस होती है, वो बिल्कुल फ्लैट प्लेन नहीं होती, कट्स होते हैं उसके ऊपर डायमंड के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आपका फेसेटेड जो है, एक्चुअली डायमंड जो है वो फेसेटेड होता है, ठीक है। सो अब ये इस तरह का शेप हो जाएगा, ठीक है। सो फेसेटेड आप यहाँ से भी कर सकते थे, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी था आपके पास कि आप स्फेयर के अंदर ही जाके इसका स्मूथ हटाते हैं तो वो रेंडरिंग में भी फिर ऐसे ही आएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन वही है कि आप सेगमेंट्स इसके कम कर दें तो वो रफ सरफेस हो जाएगा, ठीक इस सही है। अच्छा यहाँ तक समझ आया किसी को? यस सही। तो ये तो बेसिक मटेरियल्स थे, सेल्फ एलिमिनेशन ओपेसिटी हो गया आपकी, डिफ्यूज हो गया, स्पेकुलर ग्लॉसिनेस, फेस मैप बाद में पड़ेंगे, फेसेबल टू साइड वायर, इसके अलावा बम्प हो गया, रिफ्लेक्शन हो गई और सेल्फ एलिमिनेशन रह गई। सेल्फ एलिमिनेशन जैसे कि ये एनर्जी सेवर, ठीक है, ये सेल्फ एलिमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब यानी कि जैसे कि एक बल्ब होता है, एक बल्ब जैसे 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का जो बल्ब होता है, वो बल्ब एक पॉइंट से चारों तरफ लाइट फेंक रहा होता है, वो सेल्फ एलिमिनेटेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन एनर्जी सेवर जो होते हैं वो सेल्फ एलिमिनेटेड होते हैं, मतलब कि वो अपनी बॉडी से लाइट फेंक रहे होते हैं, जैसे कि ट्यूब लाइट, ठीक है, जैसे कि एनर्जी सेवर, जैसे कि LCD ये अपनी बॉडी से लाइट फेंक रही है बाहर, अगर मैं अंधेरा कर दूँ तो इससे तो लाइट आती रहेगी, जैसे कि LED, जैसे कि आपका TV, ठीक है। इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि ये सेल्फ एलिमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से लाइट फेंकते हैं, मतलब उनको पॉइंट केंद्र रहता है, तो उसमें और आपके बल्ब में डिफरेंस होता है, जैसे इस एनर्जी सेवर में और आपके बल्ब में डिफरेंस होता है, क्योंकि बल्ब एक पॉइंट से लाइट फेंक रहा होता है जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है, सही, और आप सी थ्रू देख सकते हैं, यानी कि बल्ब के अंदर देख सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी सेवर के अंदर नहीं देख सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको लाइट फेंक रहा हो ना अपनी बॉडी से, आप उसके सी थ्रू नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो फिर आपको बनाना भी तो होगा, बल्ब के अंदर क्या होता है, तार होता है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 बल्ब होते हैं जो कि बहुत फास्टली ब्लिंक कर रहे होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट होती है, ठीक है। और वो लेकिन वो ब्लिंक जो होता है ना थोड़ा ट्रांजिस्टर टाइप होता है, कुछ तो होगा ना, वरना जल के सर, ठीक है। लेकिन वो एक सेकंड में काफ़ी टाइम ब्लिंक करता था, आपको ब्लिंक नज़र नहीं आता, ठीक है। अच्छा सेल्फ एलिमिनेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को वैसा कुछ बनाना है तो फिर मैं सेल्फ एलिमिनेशन भी जाता हूँ। ट्यूबलाइट को जब आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कुछ मिलता है नहीं, लेकिन उसके अंदर तो बल्ब होता है,
कैसे होते हैं सर ये तो पूछ रहे हैं। वो गैस के होते हैं, फट जाता है, गैस निकलती है जैसे कि अगर जो गैस हाँ का ग्लास होता है ना, उसमें से गैस निकलती है सर, गैस के ग्लास जो होता है ना उस वजह टूट जाए ना तो वो चूरा चूरा हो जाता है, वो कांच नहीं बनता और चूरा चूरा फट जाता है, वो गैस निकल जाती है उसमें से। ठीक है, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपको कभी नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा जी, सो मैं सेल्फ एलिमिनेशन के कलर पे जाता हूँ और इसको सेल्फ एलिमिनेटेड बना देता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ये इस तरह से अब ये लाइट ऑब्जेक्ट बन गया और ये लाइट फेंकेगा, ऑल्दो ये बहुत हार्श लाइट तो नहीं फेंकेगा, ये बहुत दूर तक नहीं फेंकेगा, लेकिन हाँ ये ऑब्जेक्ट उस टाइप का बन गया। ठीक, फेंक रहा है, बिल्कुल फेंक रहा है। अभी आपके सीन में, अभी आपके सीन में डिफॉल्ट लाइट लगी है, तो जब तक वो ऑफ नहीं होगी तब तक लाइट वो कैसे ऑफ की, वो जब कोई एक्सटर्नल लाइट आएंगे तब ऑफ। ठीक है, नहीं डिफॉल्ट लाइट तो बाय डिफॉल्ट ही ऑन होती है। ठीक है, अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा तब भी वो रेंडर होगा। ठीक है, सेल्फ एनिमेशन सिर्फ आप ऑन करना है और आपने कलर चेंज करना है। हाँ, इट कैन बी अ येलोइश कलर। ठीक, सो इस टाइप का इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, समझ आया कुछ? Yes, अब लाइट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। सर क्या बस अच्छा, लाइट्स क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट लाइट्स, अब यहाँ पे फोटोमेट्रिक लाइट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, आरपीसीज एंड वीरे लाइट्स हैं। फिलहाल हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं। ओमनी लाइट इज जस्ट लाइक अ बल्ब के एक पॉइंट से चारों तरफ लाइट फेंकते हैं। इसके अलावा अगर टारगेट स्पॉट है, फ्री स्पॉट है, ये डिफरेंट लाइट्स हैं, देखेंगे अभी, लेकिन पहले जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगी। लाइक अ बल्ब, ये लाइट एक पॉइंट से लाइट फेंकेगी। ठीक है, अगर मैं बल्ब ऊपर लगाऊंगा तो आपके पूरे रूम में लाइट आएगी, अगर मैं बल्ब नीचे लगा दूँ तो वो नहीं फेंक पाएगा कहीं लाइट। सो अभी वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, लेकिन जब आप ऊपर लगाएंगे तो चारों तरफ लाइट फेंकेगी। लाइट के बीच में बॉल आ रही कहाँ है? और सर उसके टाइल्स का तो कलर ही चेंज कर दिया सर। नहीं नहीं वो तो छोड़ो, बस सर देखो ना, लाइट एक सरफेस पे पड़ी हुई है, उसके सामने एक बॉल आ रही है, पर उसको भी सी थ्रू दिख रहा है। सी थ्रू नहीं दिख रहा है वो लाइट, वो तो हाईलाइट है, स्पेकुलर है, मैंने उसे स्पेकुलर ऑन की थे उस ऑब्जेक्ट को, वो तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलर ऑन किया ऑन की मुझे भाई। जैसे आपकी ये लाइट्स लगी हुई हैं, वो ऊपर किया था, ये लाइट्स लगी हुई हैं, आप इस ऑब्जेक्ट में गौर से देखें, वो लाइट्स छोटी 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 नज़र आ रही हैं आपको, स्पेकुलर आई लाइट है, ये लाइट यहाँ पे नज़र आ रही है। जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है ना वो लाइट को स्पेकुलर या रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसमें भी हाई लाइट बन रही है। देखें एक हाई लाइट बन रही है सर, ये हाईलाइट बन रही है, दिस इज स्पेक्युलर, ये स्पेक्युलर। ठीक है, ये जो वाइट लाइट आ रही है ना स्पेक्युलर, जो वाइट लाइट आ रही है स्पेक्युलर। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन नहीं करेंगी वो स्पेक्युलर लाइट होगी, जो रिफ्लेक्ट करती हैं जो रिफ्लेक्ट करेंगी वो स्पेक्युलर भी क्रिएट करेंगी। ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी स्पेक्युलर बनाते हैं, लेकिन ये बहुत माइनर लेवल पे बनाएंगे। ठीक है, उसका नाम उसमें स्पेक्युलर कराएगा, इसमें भी स्पेक्युलर कराएगा, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के स्पेक्युलर डिफरेंट होंगे। जो बहुत ज़्यादा शाइनी रिफ्लेक्टेड होगा, जैसे कि क्रोम, क्रोम में स्पेकुलर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर स्पेकुलर आपको बहुत माइनर से नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो स्पेकुलर नज़र आ रहा है, सही है। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ स्पेकुलर पड़ता है ना वहाँ के ऑब्जेक्ट का कलर नज़र नहीं आता, वहाँ सिर्फ स्पेकुलर कलर नज़र आता है। ठीक है, देखें जहाँ हालांकि आपके ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक है, लेकिन जहाँ स्पेकुलर पड़ा है वहाँ वाइट आ रहा है। ठीक है, सो इसलिए स्पेकुलर का कलर अलग से दिया हुआ था मैच। ठीक है, ये रहा स्फीयर, ये है स्पेकुलर जो आपका वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये हर जगह नहीं है, जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वहीं आएगा, इसलिए आपको स्पेकुलर का कलर भी दिया हुआ होता है। ठीक है, अच्छा सर, हमें इसका मतलब है जब हमें लाइट अप्लाई करनी होगी, हमने जो रूम का एनवायरनमेंट दिखाया, हमने लाइट लगाई, एग्जांपल देते हैं, हमने लाइट राइट पे लगाई, तो हमें उसका स्पेकुलर भी लगाना पड़ेगा। वो आपको ऑन पे जो रिफ्लेक्टेड है, जो रिफ्लेक्टेड है हाँ ऑन करना होगा, फिर लाइट खुद ही उठा लेगी, जैसे कि वो खुद ही उठा, मैंने सिर्फ ऑन किया, ऑन करना है वो खुद ही उठाएगा, खुद ही उठा, खुद उठा सर, ये ऑन करते ही दोबारा बताइए स्पेकुलर यहां से ऑन किया था, ये जीरो होता है डिफॉल्ट, सही
अब वो स्पेक्युलर नहीं, अब तो सिर्फ वो लाइट इफेक्ट कर रहा है। एक सेकंड, अब बताओ कहाँ है लाइट लगी ना? वो कुछ और पूछ रहा है, बोल रहा है ये एक ऑब्जेक्ट आपने फिर लगाया हुआ ये लाइट, पहले मैं समझता हूँ लाइट हमने लगाई तो ये सब जो ऑब्जेक्ट के पास हो रही लाइट और बिल्कुल वो अपना शेडो नहीं दे रहा, ये पूछ रहे हो? ये बॉल देखो तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सही है सर, लाइट इस तरफ लगाई है पीछे वाली वो यही बोल रहा है सर कि पीछे वो अपना शेडो क्यों नहीं दे रहा, वो लाइट पास हो गया उधर भी वही लाइट उधर भी लाइट जैसे मैंने लाइट लगाई क्यों जा रही है? इसलिए कि मैंने कहा था कि ये एक बल्ब की तरह है, वो एक पॉइंट से चारों तरफ लाइट फेंक रहा है तो लाइट वहाँ तक जा रही है, तभी तो नज़र आ रही है उसका, उस ऑब्जेक्ट का, उस लाइट का कुछ पार्ट तो ऊपर है, ठीक है, बेशक मैं बल्ब को नीचे ले जाऊँ लेकिन वो रोशनी तो फेंकेगा ना, पूरे रूम में रोशन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो लाइट फेंकेगा, लेकिन जहाँ लाइट नहीं जा रही मामला है सर, लाइट तो मूव कर लाइट को मूव करो सी, अब नजर आया आपको? तो जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वहाँ तो वहाँ तो रोशनी होगी। और वो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो वैसे का वैसे देखो उसके ऊपर ना, नहीं ये देखें देखें सर, सर जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है इसके सामने फ्रंट में एक लाइट लगाई है, हाँ आपने वो देखे उसके आगे एक बॉल आ रही है बट तब भी उसके जो ये फ्रंट वाला सरफेस है बिल्कुल साफ दिख रहा है। अच्छा आपको कैसे पता कि वो उसके आगे, अब आप टॉप से जाके देखें लाइट इस तरफ है, वो क्रॉस में से लाइट जा रही है उस तरफ, वो आगे थोड़ी लाइट उसके फ्रंट के थोड़ी तब भी जाएगी लाइट तो फेंकेगा ना चारों तरफ, चारों तरफ एनवायरनमेंट में लाइट फेंकेगा वो रोशनी तो जाएगी देखो। इस रूम की सारी लाइट्स बंद कर दो, बंद कर दो, करो करो डर करो, मैं कह रहा हूँ ठीक है सही है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी आपको नज़र आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी आपको नज़र आ रहा है, शूज अभी अब आपको नज़र आ रहे हैं, वो बैग अभी भी आपको नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है, लाइट डायरेक्टली तो नहीं पड़ रही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वहाँ तक लाइट कैसे जा रही है? ठीक है वहाँ फिर भी पीछे के ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, वो देखो वो पीछे की एलसीडी, हालांकि वो लाइट तो वहाँ जा रही है ना, एलसीडी की लाइट डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ रही, लेकिन यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाए, नज़र ही ना, जब तक आप कम्प्लीटली अंधेरा ना कर दें तब तक जो है वो आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, लाइट बाउंस करती है। अच्छा सर अभी इसकी डिफॉल्ट लाइट जो है मैच की डिफॉल्ट लाइट वो तो ऑन है ना? नहीं वो जैसे ही लगाऊंगा ऑफ कर देता हूं, ठीक है, तो लाइट कहीं ना कहीं से तो अपनी जगह बना लेगी, जैसे पानी हमेशा अपनी जगह बना लेता है, समझ आया? सही है, चलिए सो अब आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं, समझ आया? सही है, चलें बस अब आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके लाइट्स की डिटेल में आपको बाकी बताऊंगा, ठीक है इसको सेव कर लेता हूँ इसकी फाइल को, ओमनी हाँ बल्ब की तरह इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 40 वाट का भी बना सकते हैं और 1 वाट का 0 वाट का भी बना सकते हैं, ठीक है 5 to 7 है ना आप लोगों का, एक चीज़ समझ रही है।